सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निशांत परमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परमार साहब व्लॉग्स। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल परमार साहब व्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं हूँ चंडीगढ़ में, क्योंकि आज है हमारा एक सेमिनार यहाँ से इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे जो होने जा रहा है चंडीगढ़ सेक्टर 17 के होटल हयात सेंट्रिक में। और अभी घड़ी के बज चुके हैं 9:30 और यहाँ पे कर लिया हमने ब्रेकफास्ट। और चंडीगढ़ में आपको पता है कि भाई चंडीगढ़ का जो राजमा चावल और कढ़ी चावल और परांठे हैं, स्ट्रीट फूड है, वो कितना फेमस है। तो उसका जो स्वाद है वो आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट से में भी नहीं मिल सकता। तो 10 से 3 बजे तक होगा सेमिनार और उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो हम आज देखने जाएंगे केरला द स्टोरी। और ये आप देख रहे हैं इस कॉर्नर पे, और आप में से बहुत से लोग आए होंगे, शास्त्री मार्केट है सेक्टर 17 में, मार्केट 22। तो ये जो कॉर्नर है स्ट्रीट फूड का बहुत ही फेमस है, और कभी भी मैं यहाँ पे आता हूँ, जब भी मैं चंडीगढ़ आता हूँ ऑलमोस्ट 17 या 22, तो यहाँ पे आके भी राजमा चावल कढ़ी चावल ज़रूर खाता हूँ, तो बहुत ही टेस्टी इनका रहता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से जो लोग हैं इस चैनल पर, मैं भी भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है चैनल को, तो लेट्स सी किस तरह चैनल ग्रोथ करता है 23 में। तो चलिए चलते हैं अभी होटल सेंट्रिक और दिखाते हैं आपको होटल के कुछ नज़ारे। Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a hello. अभी अभी हुआ है लंच टाइम, और लंच करने के बाद हम बस अभी निकले हम बाहर टहलने के लिए। और पीछे आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल, मन तो कर रहा है इसमें अभी डूबने का नहीं, तैरने का, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। हमारे क्या करें, आए हैं सेमिनार में अटेंड करते हैं, तो ये हमारे लिए अभी अलाउड नहीं होगा। काफ़ी बढ़िया होटल है, आधे घंटे की अभी ब्रेक हुई है, इसके बाद हम चलेंगे अंदर अभी ट्रेनिंग के लिए दोबारा से, और देखते हैं फ्री कब होते हैं, और उसके बाद चलेंगे थोड़ा चंडीगढ़ की खेड़ी मारने। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. अभी ट्रेनिंग हो चुकी है ख़त्म, और अभी मैं आया हूँ सेक्टर 17 में। मगर अभी वैसा कुछ माहौल यहाँ पे है नहीं, क्योंकि रौनक तो शाम को ही रहती है, थोड़ा सा कुछ ऐसे ही चक्कर मार ले, पर यहाँ पे बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है सेक्टर 17, आप देख सकते हैं मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा है अभी। अब सोचा अभी यहाँ से चलते हैं मार्केट 22 की मार्केट की तरफ, और प्लान था मूवी देखने का द केरला स्टोरी। उसकी शो टाइमिंग जो है नियर बाय थिएटर्स की वो 4 और 3:30 बजे की थी, पर नहीं भी रहे। तो जो टाइमिंग थी शोज़ की वो निकल चुकी है, और अब नेक्स्ट शो जो है जीरकपुर या सेक्टर 17 काटले इवन 22 वो थिएटर का, वो है 6 बजे 6:30 बजे। तो लेट्स सी, अगर मन किया तो 6 बजे तक रुक लेंगे मूवी देखने के लिए, नहीं तो फिर यहाँ से अभी जाऊँगा 22 के बाद निकल लेंगे सीधा हम राजपुरा के लिए। और 17 में जैसा कि आपको पता है ही कि जूते चमकाने वाले और गॉगल बेचने वालों से जान छुड़ाना मुश्किल होती है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं हम सेक्टर 22 की तरफ, और लेट्स सी
मुझे लेने हैं माइक्रोफोन ब्लूटूथ वाले मोबाइल के लिए, वॉइस क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ब्लॉगिंग के लिए। तो लेट्स सी हमें मिलते हैं कि नहीं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. कोई फायदा नहीं हुआ खासकर हिमाचलियों के लिए कि भाई कभी भी आप चंडीगढ़ आते हैं तो आपको 22 और 70 के मार्केट का चक्कर तो लगाना ही है, नहीं तो आपके मन में ना ऐसा लगता है कि आपने चंडीगढ़ नहीं घूमा। मेरा भी काफ़ी दिनों बाद मैं चंडीगढ़ आया हूँ 70 70, सोचा कि 70 और 22 आगे अपना जो मेरा आने का पर्पज़ है वो फुलफिल हो जाएगा और देखते हैं कुछ चीज़ अगर मिलती है अच्छी तो उसको भी परचेज कर लेंगे। Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Gotta find what you're doing. Yeah, Sector 22's key market, jo hai mashhoor apne mobiles and accessories ke liye. तो मैक्सिमम मोबाइल जो परचेजिंग होती है वो यहीं से लोग करते हैं। हेलो, तो अभी दिखाता हूँ भाई आपको, जब मैं चंडीगढ़ आया था लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, चंडीगढ़ में जो मैंने फ़र्स्ट पिक अपने क्लिक की थी वो कहाँ पे की थी वो मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह। अभी सामने जो आप थार देख रहे हो अभी खड़े हुए ना, थार के बिल्कुल पीछे ये वो स्पॉट है जहाँ पर चंडीगढ़ में मैंने अपनी फ़र्स्ट पिक क्लिक की थी। तो आज भी मुझे याद है कि Sector 22 जाते समय हम यहाँ पे दोस्त आए थे, हम 2-3 एग्ज़ाम देने के लिए कोई, और यहाँ पे खड़े होके हमने फ़ोटो शूट किया था। तो ये वो जगह थी जहाँ पे चंडीगढ़ में मेरी फ़र्स्ट पिक मैंने क्लिक की थी। और एक और चीज़ आप थोड़ा सा नोटिस कर रहे होंगे, आज मेरी वॉइस में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दिखेगी क्योंकि आज मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक। जी हाँ, आप देख सकते हैं कॉलर माइक और वायरलेस माइक मैंने अभी जस्ट परचेज़ किया है क्योंकि काफ़ी मुझे मोबाइल से भी काफ़ी इशू आ रहे थे वॉइस क्वालिटी की वजह से। सोचा कि उन्हें आज इस पे थोड़ा सा काम किया जाए और टेस्टिंग इसकी की जाए माइक की। तो आई होप कि वॉइस की क्वालिटी थोड़ी सी आपको इम्प्रूव लग रही होगी, थोड़ी सी लाउड नॉइज़ आपको इसमें आ रही होगी और ईजी में या मतलब मैं अच्छे से आपको ऑडिबल हो रहा हूँ इसमें व्लॉग में। तो अभी मैं बैठा हूँ Sector 22 के पार्क में जो है जस्ट शास्त्री मार्केट और Sector 17 के बिल्कुल बीच में, और यहाँ पे मैं आद्या को भी बचपन में लेकर आया था घुमाने के लिए, काफ़ी एंजॉय उसने यहाँ पे किया था। तो मतलब कभी भी यानी बढ़िया स्पॉट ये है, कभी भी 22 में काफ़ी शॉपिंग करके बंदे थक जाते हैं, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं और काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पे है। और अभी पीछे हो रहा है फाउंटेन का ट्रायल और देख सकते हैं, और ये इसी पार्क में बैठे बैठे कम से कम पता नहीं मुझे अभी तक 20 मिनट मुझे हुए बैठे हुए, पर 10 से 15 लोग मुझे मंडियाली में बात करते हुए मिल चुके हैं। तो पहाड़ियों का दबदबा, तो अभी था मेरा प्लान जाने का 22 की मार्केट पर, सोचा कैंसिल कर देते हैं क्योंकि भाई जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो फिर जाना क्यों। और पता ही, अगर आपको 22 की मार्केट चले गए तो मतलब 500,000 रुपये फालतू के में ऐसे ही चपत लग जाएगी, क्योंकि ये होता है ना कि जब आपको महसूस हो रहा है कि आपको कोई चीज़ नहीं परचेज़ करनी है तो फिर जाना क्यों है ना। फालतू में अगर गए तो फिर 1,000-1,500 कुछ ना कुछ आपको दिखेगा और आपको वो लेना पड़ेगा, इसलिए इससे अच्छा है कि पैर उल्टे पाँव दोबारा से चलते हैं वापस राजपुरा की तरफ।
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. भाई पैदल चलने का मजा ना, एक तो शिमला में और दूसरा यहाँ पर चंडीगढ़ में, जितना मर्जी आप पैदल चल लो, मतलब होता ना कि आप थकते नहीं हो और वो महसूस नहीं होता कि पैदल चल रहे हैं और कोई थकान हो रही है चाहे धूप है बारिश है, क्योंकि जो नेचर की जो फील आती है ना वो उसका जवाब नहीं है कोई। मतलब पेड़ों के बीच में मतलब इतना बढ़िया जो सीन होता है ना, ये आप देखिए इतनी हरियाली, और ख़ासकर आज के टाइम में आपको किस बड़े शहर में भी आपको इतनी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तभी बोलते हैं चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल। मतलब इतना प्लान्ड वे में ये बनाया गया है कि मतलब आज तक लगा नहीं कि इसके बराबरी का कोई शहर होगा, है ना। और दूसरा हम हिमाचलियों के लिए तो है ही जैसे सेकंड होम की तरह चंडीगढ़ है, तो पॉल्यूशन फ्री, ग्रीनरी से भरपूर और क्राइम फ्री अभी बोल नहीं सकते, क्राइम बहुत ज़्यादा होने लग गया है। अभी हम पहुंच गए ट्रिब्यून चौक पे और यहाँ से लेंगे राजपुरा पटियाला के पास और चलेंगे सीधे अपने रूम पे। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा शॉर्ट व्लॉग था ये, थोड़ा सा अच्छा मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि आज का थोड़ा कुछ एक इम्प्रूवमेंट आज मैंने अपनी व्लॉगिंग में की है। शायद वो तो फीडबैक आप लोगों से मिलेगा जब व्लॉग डाल के, जो इम्प्रूवमेंट है वो है वॉइस क्वालिटी की, तो लेट्स सी रिस्पांस कैसा मिलता है इसमें। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में कि आज वॉइस क्वालिटी, शायद हाफ व्लॉग में आपको थोड़ा लो वॉइस क्वालिटी मिलेगी क्योंकि ये माइक मैंने परचेज़ किया अभी शाम के टाइम में, तो लास्ट में जो एंडिंग रहेगी व्लॉग की उसमें आपको वॉइस क्वालिटी थोड़ी अच्छी लगेगी इसमें। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा भाई कि आपको इसमें जो वॉइस क्वालिटी इंप्रूव लगी या नहीं लगी। तो तब तक जो लोग हैं ना इस चैनल पर, प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और परमार साहब व्लॉग्स को यूँ ही प्यार देते रहें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए व्लॉग में, और नए व्लॉग में तब तक परमार साहब व्लॉग्स को दीजिए इजाज़त। जय देवा।